तो अभी मेरे साथ है तनु रावत, जिनकी पर्सनालिटी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. चलिए इनकी कहानी सुनते हैं. तनु, हमारे अपने बारे में कुछ और बताओ. मेरा नाम तनु रावत है और मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से हूँ. मेरी उम्र 19 साल है और बस. और आप क्या करते हो? मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और बट मैं रोडीज़ में इसलिए आना चाह रही हूँ बिकॉज लोगों के मन में ना मेंटलिटी सेट हो रखे कि इन्फ्लुएंसर है, लिपसिंग करके फेमस हो रखे होंगे. बट मैं इन सबसे अलग हूँ. मैं डांस करती हूँ, करती एक्सरसाइज करती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इसीलिए मैं रोडीज़ माना चाहती हूँ. मतलब कॉन्टेंट आपका बेसिकली डांस, लिपसिंक नहीं है, डांस है, योगा है और मुझे अपने धर्म को आगे प्रमोट करना है. ओह नाइस. आपने कब स्टार्ट किया था इन्फ्लुएंसिंग? 2 साल पहले. अभी कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 3.6 मिलियन. मेरे साथ कोलैब करोगे आप प्लीज? जरूर. अच्छा मुझे बताओ, रोडीज क्यों करना चाहती हो? रोडीज इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा है कि मैं कुछ एक्सपीरियंस लूँ लाइफ में न्यू. और मुझे एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है टास्क करना कि कोई दे हम करें तो मज़ा आता है. तो मुझे इसलिए रोडीज करना है. चलो मैं आपको टास्क देती हूँ. चलो ठीक. आपने बोला मैं डांस करती हूँ तो कुछ डांस करके बताओ. गाना आप गाओगे विदाउट म्यूजिक? यही तो टास्क है. रोडीज में सिर्फ ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं. विदाउट म्यूजिक बी योरसेल्फ. डांस. नाइस. रील तो बन गई. मुझे एक बात बताओ, अगर आप आज सिलेक्ट हो जाते हो ठीक है, कौन सा गैंग लीडर आपका फेवरेट है और किस किस साथ आप परफॉर्म करोगे? प्रिंस सर. How cute. क्यों? मुझे बहुत ज़्यादा ही वो पसंद है. बहुत ही मोटिवेटेड है और मुझे पसंद है. बस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. एक चीज़ क्या है जो आपने प्रिंस सर से सीखी है और लाइफ में अपनाई है? कि ना कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि सर ने जब स्टार्ट किया था और अब बहुत ही ज़्यादा अलग हैं. सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, कुछ भी हो गया, सर सबसे आगे हैं. तो सब चीज़ में अच्छे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ सर अच्छे तो हम भी अच्छे हो सकते हैं. तो इसीलिए. इसकी आवाज़ भी काफ़ी सुरीली है. गाना वाना भी गाते हो आप? बिल्कुल नहीं. कुछ गा के सुना? नहीं. प्लीज. अच्छा होगा, व्यूज ज्यादा आएंगे. एक दो लाइंस? नहीं. भजन गा सकती हैं आप? भजन गाना मतलब भजन कैसे बताऊँ मैं आपको, गाना ही है बट नहीं गाऊंगी मैं. क्यों? वहां पर आपको बोल दिया. देखो कंफर्ट जोन तो आपका है डांस, ठीक है, वहां पर आपको बोल दिया कि आपको कंफर्ट जोन के अलावा कुछ करके दिखाना है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि रोडीज में ऐसा होता है जिस चीज में आप वीक हो वही करके दिखानी पड़ेगी. सिंगिंग मेरी आवाज अच्छी नहीं है. तो क्या बात, मैं आपके साथ गा लूंगी. हम दोनों की आवाज खराब है और मजा आएगा. नहीं आपकी अच्छी है. थैंक यू, यही सुनना चाहता हूं. ठीक है, तो कौन सा गाना है? कोई भी आप भी गाओगे ना साथ? हाँ चलो मैं तेनु समझावा गाते. ठीक है चलो. थ्री टू वन गो. मैं तेनु समझावा के तेरे बिना लगदा जी के तू जाने प्यार मेरा. बहुत ही उम्दा गाई है ये, मजा आ गया बहुत. अच्छा मुझे बताओ, आप किसके साथ रूम शेयर कर रहे थे? क्या आपके कोई फ्रेंड्स बने इधर? फ्रेंड्स बने, सब बने बहुत, मतलब सब लोगों से बात हुई, कुछ से नहीं हुई. बाकी रूममेट सृष्टि थी. सृष्टि नाम मुझे कंफर्म नहीं है. श्रुति मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, मतलब वही बात नहीं करी थी. बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बातू नहीं हूँ क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है मैंने बात नहीं करी. मतलब मैंने करी बट वो थोड़ी वैसी हैं, मुझे कम बात करने वाली. वो कम बात करती है? वो तो बहुत बोलती हैं. नहीं, रूम में तो उन्होंने कम बात करी. अच्छा, वो शायद मे भी आप नहीं बात कर रहे होगे उनसे, तो उन्होंने भी हाथ नहीं बढ़ाया? नहीं, मैं तो पूरी रामकथा बता दी मैंने कि मैंने इस महीने पूरे दिन क्या करा बेड पे लेटे. तो आपको नहीं लगता ये आपके अगेंस्ट जा सकता है? अगर आपको श्रुति के साथ ही भेज दिया तो उसको तो आपके बारे में सब पता चल गया, फिर फंस गई ना, फंस गई. इन्फ्लुएंसर है, पकड़ लिया जाल में इसको. देख लेंगे. या तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन में पता ना चला और किसका नेचर क्या है ना, क्या पता उन्हें बात इसलिए ना करी होगा कुछ. बड़ी स्वीट सी लड़की, तुम कैसे सर्वाइव करोगी यार, काफी स्वीट हो. वहां पर तो रोडीज में मैनिपुलेट करना पड़ता है, पॉलिटिक्स खेलना पड़ता है. हो जाएगा, धीरे धीरे सीख जाऊंगी सबसे. अच्छा, nice. थोड़ा थोड़ा निकाल लूंगी. मुझे 3 क्वालिटीज बताओ जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है आज तो मेरा सिलेक्शन पक्का. 3 क्वालिटी रोडीज के लिए ना?
नहीं स्प्लिट्स के लिए बता दो. अरे नहीं नहीं मतलब उसके लिए किसके लिए आई हो यार तू? सॉरी सॉरी. एक तो मैं ना जो मतलब हमें स्वीट टू बटना जो मुझे बुरा लगता है मैं सीधा बोल देती हूँ कि ये गलत है तो गलत है. स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. बाकी मेरा नेचर बहुत अच्छा है कि मैं ना सब लोग साथ मिलजुल के रह सकती हूँ और टास्क में बहुत अच्छे कर सकती हूँ. मुझे पता है ये चीज़. नाइस. चलो ठीक है. कॉन्फिडेंट लड़की है हमारे पास. मुझे एक बात बताओ, लोग बोलते हैं यार ये इन्फ्लुएंसर है ठीक है, थोड़ा मतलब अभी भी उस ऊंचाई पर नहीं देखते, प्रोफेशन नहीं माना जाता बहुत लोगों की नजरों में, तो उनके लिए उन लोगों के लिए क्या मैसेज है तुम्हारे पास? मतलब ना लाइक ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार इन्फ्लुएंसर ही वीडियो बनाते छोड़ो. जब वो लोग ना करके छोड़ देते जब उनसे नहीं होता ना तब वो चीज़ बोलते हैं कि यार ठीक है. मतलब एक ना इतनी जलेसी आ जाती है तो वो चीज़ है और कुछ नहीं है. बाकी बोलने वाले तो बोलते हैं, हमें तो अपना काम करना है. लोग तो कहेंगे. वैसे मुझे बताओ तुम्हारी कमाई कितनी है? कमाई घर चल जाता है बस. अरे सब यही बोलते हैं. चलो ठीक है, बड़ी बबली सी चौपी लड़की है. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप आई सी ऑन द जर्नी बिकॉज इट्स गोना बी सो मच फन. 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके तो क्या पता खराब हो जाए. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय. हाय तनु. हाय सर, कैसे आप लोग? हाउ आर यू? हाय सर. हाय सर. हाय मैम. हाय तनु, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. आप लोग कैसे हैं? एकदम. तेरा गेटअप ही ऋषिकेश का यार. वेरी कूल यार. थैंक यू. क्या करेगी ऐसा जो लोग कहेंगे यार रोडी हो तो ऐसी हो? मैं ऐसा करूंगी कि लोग दंग रह जाए कि यार, क्योंकि ना सर मैं रोडीज में इसलिए आना चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो लोगों को लगता है कि ना लिप सिंक करके फेमस हुए होंगे या ऐसे ही फेमस होंगे. बट मैं उनसे हटके हूँ. मैं डांस करती हुआ करती बहुत सारी चीज़ें करती हूँ. वैसे सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स हो गए हैं अभी आपके? 3.6 मिलियन. वाओ. नाइस. थैंक यू. अमेजिंग. तेरी ये इशारे समझ नहीं आते लेकिन दिल ने सुन लिए तेरी दिल वाली बातें. तेरे लग तो लग बकवा चली दी सर मार गाड़ी अब गाती दी दिल कर तेरे नाल बनने रवा तेरे जस वच खुशबू ला चली दी ताजल गाना बड़ा चुना है एंड में भी. क्या बात है. लोग बोले हाँ यार क्या बात है. ये आपके बाल काफी कूल हैं और ये सर पे टीका क्या है, इसका कोई मीनिंग है? हाँ मैं शिव जी जी राधे कृष्ण जी को बहुत ज्यादा मानती इसीलिए. जय हो शंकरा. कुछ फिटनेस टेस्ट करें? है हाँ बिल्कुल. चलो. ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य माम् हर 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 महादेव. आप विराजे गंगा तट पे. अमेजिंग. प्रिया ने तो घंटी बजा दी है भाई. प्रिंस सर, सर आप ही रह गए. सर जल्दी प्लीज ये ले. अच्छा चलो मैं आपके लिए 1000 करता हूँ ठीक है. चलो 1100. ये ले लो. डन. ठीक है. Welcome to Roadies. तो हमारे साथ एक काफी cute and cool सी बंदी who is coming on the journey with us and she is in Riya's gang. How are you feeling? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. Like जब मैंने audition दिया मैं थोड़ी nervous थी कि ठीक है क्या होने वाला है. जब हो गया तो ऐसे हुआ भाई मेरा एकदम सर हो गया खाली. मतलब कि सब टेंशन खत्म होगी. हो गया बस अब. आज अच्छी नींद आएगी. आज अच्छी नींद आएगी. और दो दिन से सोई नहीं हूँ. हाँ मतलब टेंशन थी ना बहुत ज़्यादा कि लाइक क्या होगा क्या होने वाला है. और अभी तक थोड़े टाइम पहले भी ऐसे था कि क्या होगा. मैं पूरी ऐसे वाइब्रेट हो रही थी. मैंने कहा यार क्या होगा. अब तो ठीक हो ना? हाँ अब तो परफेक्ट. इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन नाउ. यस. अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाई रिया, व्हाई नॉट गौतम, व्हाई नॉट प्रिंस? रिया मैम
एक तो मतलब मेरे लिए बहुत न्यू है क्योंकि मज़ा आएगा उनके साथ बहुत चीज़ें करके, साथ में जो होगा जर्नी में देखा जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बस चलो अब बस जल्दी से एक बार इसको जाना है जर्नी, जाना है किसी के साथ भी जाती नहीं रिया मैम एक तो ना वहाँ पे अभी बैठ लगी थी ऐसा देखा था, तो रिया मैम मिलने बोल रही थी कि हाँ ठीक है, इतना एक सेकंड का ही पॉज नहीं था, कंटिन्यू ठीक है 100, 200, 300, 400, 500, 600 तो उनके दिख रहा था मुझे कि मैम बहुत है कि तनु को लेना है, शी बिलीव इन यू मतलब। तो मैंने कहा ठीक है चलो अब चलो अब। अच्छा मुझे एक बात बताओ तनु, तुम्हें लगा था तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा आज? मैं कॉन्फिडेंट तो थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तुम्हें लोगों ने बोला कि यार नहीं होगा छोटी सी लड़की है? हाँ बोला तो बहुत लोगों ने कि छोटी है नहीं हो पाएगा तू ऐसी है वैसी। मैंने कहा छोड़ो जो जैसा मैं करूँगी वैसा ही होगा, तो अच्छा करो तो अच्छा होगा भाई। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है छोटे लोगों के साथ ऐसा मत करो, ऐसा मत बोला करो। अच्छा मुझे बताओ अब तुम जर्नी के लिए कैसे प्रिपेयर करोगी? जर्नी के लिए मैं तो जैसे मुझे गैप मिलेगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली, लाइक गिटार, क्योंकि गिटार मुझे बहुत टाइम से सीखना था बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अब मुझे पता है कि जाना है, सब लोग बैठेंगे तो गिटार बजाना है, तो अच्छी फीलिंग आती है ना, एक मेमोरी बन जाती है, गिटार बजा रहे हैं सब लोग गाना गा रहे हैं तो उसमें रील्स बनाएगी गिटार, इसीलिए क्योंकि ना एक जब टास्क हो जाते हैं लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं ना, इसमें मूड फ्रेश हो जाता है इसीलिए। दूसरा मुझे अब कंटिन्यू लाइक तीन चार चीज़ें और करनी है, मुझे क्लासिकल सीखना है क्योंकि मुझे आगे जाके बहुत सारी चीज़ें करनी है इसी से रिलेटेड, तो इसीलिए। बाकी फिटनेस को कंटिन्यू ही रखना है, मतलब गैप नहीं देना बिल्कुल भी, जैसा होता है ना कि एक हफ्ते में एक दिन का गैप हो गया, वैसे नहीं कंटिन्यू। अच्छा मुझे बताओ प्रिंस सर के साथ कौन सा गाना किया तुमने? मैंने हौले हौले, थोड़ा गा दोगी? हाँ ये है बलम थोड़ा हौले 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 चलो जी थक गई है चमक चलो जी। बट आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द जर्नी। उन लोगों के लिए कुछ बोल दो जो छोटे लोगों को ना बार बार ऐसे पुत्र थे तुम छोटे हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आप जब बड़े हो गए कुछ नहीं कर पा रहे तो ऑफकोर्स ये बात है छोटे ही करेंगे ना, बड़े जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो छोटे को ही लेनी पड़ेगी। सैवेज, आई एम सो एक्साइटेड कि आप जर्नी पे आ रहे हो, बहुत सारे हम लोग रील्स बनाने वाले, बहुत सारा कंटेंट बनाने वाले, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, कीप वाचिंग अस ऑन एमटीवी रोडीज। करमिया कान साइनिंग ऑफ, बाय।